हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गिकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एक पीसी यूज करते हो तो वहां पे आपने कभी ना कभी डिस्क डिफ्रेगमेंट करके एक ऑप्शन जरूर देखा होगा। आप शायद ये जानते भी होंगे कि डिस्क डिफ्रेगमेंट करने से आपके कंप्यूटर का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होता है। पर दोस्तों, यहाँ पे जो काम है ये हो कैसे रहा है, मतलब डिस्क डिफ्रेगमेंट करने से आपका कंप्यूटर का स्पीड कैसे इंक्रीज हो सकता है, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एक नया हार्ड डिस्क को मार्केट से खरीद के लाते हो, उसको अगर आप हार्ड डिस्क को खरीदने के बाद अगर आप उसे फॉर्मेट करते हो, आपके सिस्टम में लगाने के बाद आप उसे जब फॉर्मेट करते हो, उसके बाद आप जब उस हार्ड डिस्क पे पार्टीशन क्रिएट करते हो, तो पार्टीशन क्रिएट करने के बाद अब बारी आती है कि वहाँ पे डेटा कॉपी करना। अब दोस्तों, वहाँ पे आप एक एक करके सारे डेटा कॉपी करोगे। एग्जाम्पल के लिए, वहाँ पे आपने पहले 2 GB का डाटा, उसके बाद 5 GB का डाटा, उसके बाद 8 GB का डाटा, उसके बाद 10 GB का डाटा आपने कॉपी किया। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने तो डाटा कॉपी कर दिया, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में सीक्वेंसली जो है सेव्ड है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने एग्जांपल के लिए जो 80 GB का जो डेटा था उसको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, अब वहां पे जो खाली जगह है वो बच जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जो 80 GB जगह खाली है उस जगह पे जो उसके बाद जो 10 GB का डेटा था वो उसके जगह पे आके बैठ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये दोस्तों एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे उसके बाद जो 10 GB का डेटा था वो अलग जगह पे है, बीच में कुछ जगह खाली है, उसके बाद पहले का जो 2 GB या फिर 5 GB का डेटा है वो है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का एक बीच का हिस्सा खाली हो गया। पर यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये समझेगा कि जो 80 GB का जो स्पेस था वो खाली हो चुका है, तो आपको जो फ्री स्पेस में वो स्पेस एड कर दिया जाएगा। आपके हार्ड डिस्क में जो भी फ्री स्पेस बच जाता है उस जगह पे वो 80 GB को ऐड कर दिया जाएगा। ये बात सही है। अब दोस्तों, यहाँ पे वो जगह तो एक्चुअली खाली है, हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क है, जो मैग्नेटिक डिस्क है, वो तो उस जगह पर्टिकुलरली वो जगह खाली हो चुका है, वहां पे सीक्वेंस जो है वो खत्म हो गया, उस जगह पे थोड़ा सा खाली हो गया है। अब उसके बाद बाकी का जो 10 GB है वो है, तो यहाँ पे एक 80 GB का स्पेस बन गया। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप उसके बाद 100 GB का कोई डाटा का कॉपी करते हो, 100 GB का कोई डाटा आप उस हार्ड डिस्क पे कॉपी करते हो, तो वहां पे पहले वो 80 GB फुल होगा, उसके बाद जो बाकी का 20 GB बच जाता है वो फुल होगा, उसके बाद उस 10 GB के बाद। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे 80 GB का स्पेस था, उसके बाद 10 GB का स्पेस है जहां पे वो डेटा ऑलरेडी है, 10 GB का डेटा ऑलरेडी है, पर 80 GB खाली हो गया था, मैंने उसे पहले डिलीट कर दिया था। अब उस 80 GB का जो स्पेस बच जाता है वहां पे जो 100 GB का फाइल आप सेव कर रहे हो, वहां पे उस 100 GB से उस 80 GB में पहले फुलफिल होगा, उसके बाद जो 20 GB बच जाता है वो उस 10 GB के बाद फुलफिल होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सीक्वेंस था वो तो खत्म हो गया, फाइल टुकड़ों में सेव हो गया है। अब आपका जो OS है वो कैसे आपका हार्ड डिस्क को रीड करेगा, वो रीड करेगा नॉर्मली, रीड करेगा कैसे रीड करेगा, जो पहले 2 GB था वो तो नॉर्मली रीड करेगा, धीरे धीरे करके जो हेड है वो आगे आते आते या फिर पीछे जाते जाते उसको रीड कर लेगा। अब उसके बाद 5 GB को रीड करेगा, उसके बाद आ जाता है 80 GB का बारी। अब 80 GB का जो फाइल है उसको रीड करने के टाइम पे उसको प्रॉब्लम होगा। अगर आप एग्जांपल के लिए उसी 100 GB का फाइल को खोलना चाहते हो जो आपने बाद में सेव किया, तो पहले उस हेड को कहाँ जाना पड़ेगा, उस 80 GB के ऊपर, उसके बाद जो हेड है उसको आना पड़ेगा उस 10 GB के बाद जो 20 GB का जो फाइल है उसमें आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेड को बार बार मूव होना पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है, जो हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस हेड को बहुत बार जो है हार्ड डिस्क के अंदर जो हेड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, हार्ड डिस्क के अंदर जो एक हेड होता है वो हेड क्या करता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क है, जो मैग्नेटिक डिस्क है, उसको रीड करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क का हेड है उसको बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको लेटेंसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो फाइल रीड होगा वो थोड़ा स्लोली रीड होगा, एज कम्पेयर टू अगर वो फाइल नॉर्मली सिक्वेंस में अगर उस रहता तो वो ज्यादा तेजी से रीड हो पाता था। तो इसीलिए यहाँ पे यूज होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन को। अब दोस्तों, यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपने जो देखा फाइल इधर उधर है, तो इसको हम फ्रेगमेंटेड फाइल कहते हैं। यहाँ पे जो 100 GB का जो फाइल था वो फ्रेगमेंटेड फाइल है, वो टुकड़ों में है। अब उस टुकड़ों में जो फाइल है उसको एक जगह करना जरूरत है,
तो इसके लिए क्या होगा कि हम यूज करते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन को। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है कि जो 80 GB और 20 GB जो दो टुकड़ों में जो फाइल है उसको एक साथ जोड़ देगा, उसके बाद जो 10 GB का फाइल था वो उसके बाद आ जाएगा, या फिर जो 80 GB का फाइल है वो वहां से निकाल के 10 GB आगे की तरफ चला जाएगा और वो 80 GB और 20 GB जोड़ के उस 10 GB के बाद सेव होगा। तो ये हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से OS के ऊपर डिपेंड करता है, उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है जो ये काम कर रहा है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ये काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन से हमारा फायदा क्या है, नुकसान क्या है? अब दोस्तों इसमें नुकसान ये है वो है टाइम कंज्यूम करता है, ये जब काम करता है बहुत टाइम लगता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन में। यहाँ पे आपने अगर आपका हार्ड डिस्क का साइज कितना है वो भी देखने वाली बात है, फ्रेगमेंटेड फाइल कितना है वो भी देखने वाली बात है। तो ये सारे बात है इसके ऊपर जो टाइम है वो कंज्यूम करता है। अब इससे हमें फायदा ये पहुंचता है कि जो हार्ड डिस्क का लॉन्जिविटी है वो बढ़ेगा, क्योंकि हेड को बार बार इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हेड धीरे धीरे उस फाइल को रीड कर लेगा। वो अगर ज्यादा इधर उधर करता है तो वो जो हेड है वो टूट सकता है, हेड का जो कॉयल है वो खत्म हो सकता है, वो जल सकता है, और यहाँ पे आपका जो डिस्क है जो मैग्नेटिक डिस्क है वो भी बहुत पुराने होने के बाद वो बार बार इधर उधर करने से वो हेड आपका जो मैग्नेटिक डिस्क है वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ एक हार्ड डिस्क का, उसका लाइफ एक SSD से काफी कम ही होता है। तो यही है दोस्तों कुछ बातें जो मैंने आपसे किया डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आसानी से डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी आपका कोई क्वेरीज रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को स्वागत करता हूं, देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, इससे ये होगा था कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को साफ करता हूं, देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।